बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मुफ्ती तारिक मसूद के मदरसा। इंशाल्लाह जुहर की नमाज़ हम वहीं पढ़ते हैं जाके। सलीम भाई मेरे साथ हैं, कौन सा रूट जाता है, लोकेशन कहाँ है, हम जाते हैं इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। दोस्तों सराकी बिरावो चैनल को लाइक ठोकते करो। जुलते मैं तारिक मसूद के मदरसे। ये नागन चुरंगी वाला ब्रिज है, तो यहाँ से सीधा जाएंगे अड्डा मोड़ की तरफ। आगे हमें लोकेशन का पता नहीं है, लेकिन पूछ लेंगे। मदरसे में जाना है मुफ्ती तारिक मसूद के। सलीम भाई ज़रा तेज़ चलो यार, तेज़ चलो। जुहर की नमाज़ मदरसे में जाके पढ़नी है मुफ्ती तारिक मसूद के साथ इंशाल्लाह। थोड़ा तेज़ चलो यार। ऊपर पे पहुँच गए हैं जी, यहाँ से पूछते हैं किसी से मुफ्ती तारिक मसूद का मदरसा किस साइड पर, किसी से पूछते हैं। तो अभी जाते हैं इंशाल्लाह। आगे आगे किसी तो वो बाइक वाले के पास पूछ, रोक उधर से पूछते हैं मसूद का मदरसा किस साइड पे। जामिया मस्जिद अल फलाहिया, यही रोड सीधा जा रहे हैं। सीधा जा रहे हैं, राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो नजर आएगा। मेहरबानी। ये नहीं है, ये नहीं है, आगे आगे। ये सेक्टर 10 है, वो भी सेक्टर 10 में है, लेकिन ये कोई और है। भाई ने बताया इसी सीधा जाके लेफ्ट साइड पे है मदरसा। करीब आ गए हैं जी, करीब आ गए मदरसे के। दुआ करो कि मुफ्ती साहब हमें मिल जाएं यार, हमारा सफ़र सजाया हो, हम नमाज़ भी मुफ्ती साहब के साथ पढ़ें और हमारी मुलाकात हो जाए। बस आप दोस्तों से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम फैलनी। दोस्तों हम जो है ना पहुँच चुके हैं मौलाना तारिक मसूद साहब के मदरसा। ये पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मदरसा है। तो अभी 1 बजने से 10 मिनट रहते हैं, अभी गेट खुला है या नहीं खुला, अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। मैं रोड के ऊपर खड़ के पहले आपको मैंने कहा बाहर से दिखाऊं, सही नज़र नहीं आ रहा, बैक कैमरे से आपको दिखा दूँ इंशाल्लाह मदरसा सही नज़र आएगा। जामिया मस्जिद अल फलाहिया, वो देखो सामने लिखा हुआ है। ये आप जो है ना बैक कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें साथ में एक मदरसा है और ये है जामिया मस्जिद अल फलाहिया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये मदरसा है जी। अंदर गली से दिखा दूँ, अभी सामने वाला गेट जो है ना बंद है, तो अंदर से जाके देखते हैं कितनी देर तक खुलता है ये गेट, पता चल जाएगा। नमाज तो हमने यहाँ पे पढ़नी। मुफ्ती साहब के मदरसे में अजान हो रही है। अजान हो रही है, अभी नमाज होगी इंशाल्लाह। ये मदरसा है जी। अभी अंदर जाएंगे, अजान हो गई है, नमाज पढ़ते हैं और देखो मैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अभी निकले हैं, हमने देखा नहीं है, वो देखें अजान दे के मेरे ख्याल में जा रहे हैं। चलो वापस आएंगे नमाज़ पढ़ाने, मिलते हैं इंशाल्लाह। मदरसे के अंदर जी एंट्री हो रही है मुफ्ती साहब के, समय काम चल रहा है तो परेशानी होगी, वजू कहाँ करेंगे, लेकिन उधर जगह है, लोग वजू कर रहे हैं। चलो चलो वजू करेंगे अभी यहाँ से, जूते हाथ में अभी रखते हैं यहाँ पे, जो है ना तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये वजू खाना अभी बनाया गया बस वैसे वजू करने के लिए, असल काम चल रहा है मस्जिद में, ये देख रहे हैं। सुन दो फैमिली। दोस्तों नमाज़ पढ़ ली है, मदरसे से बाहर निकले मुफ्ती साहब, बाहर निकल के अंदर चले गए हैं, अभी दोबारा आते हैं तो मिलते हैं। हमारी मुलाकात हो चुकी है लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मुलाकात हो चुकी है, हमने नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ मुफ्ती साहब के साथ पढ़ी है।